गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वेस्टिज नीम के बारे में। वेस्टिज नीम कैप्सूल का उपयोग कैसे किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि नीम को एक औषधि के रूप में जाना जाता है। पहले के जमाने में दवाई नहीं होती तो लोग दवा के रूप में नीम का प्रयोग करते थे, लेकिन अब नीम का पेड़ दिखाई नहीं देता है। नीम का पूरा पेड़ एक औषधि है। इसकी पट्टी, डाले, जड़े, फल, फूल और जब ये सूख जाता है तो एक अवशेष भी फायदेमंद होते हैं। नीम के पूरे पेड़ हमारे शरीर के रोगों को खत्म करने की शक्ति पाई जाती है। नीम की इसी शक्ति को वेस्टिज ने नीम कैप्सूल बनाया है। इस कैप्सूल में नीम के सारे गुण पाए जाते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करके हम रोग मुक्त हो सकते हैं। आज हम आपको वेस्टिज नीम कैप्सूल के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये नीम कैप्सूल किन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन इससे पहले ये जानने आखिर वेस्टिज नीम कैप्सूल क्या है। वेस्टिज नीम कैप्सूल खासकर नीम की निम्बोली और ताज़ा पत्तियों से बनी एक कैप्सूल एंटी फंगल, एंटी डायबिटीज, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जैसे गुणों से भरपूर्ण है। ये कैप्सूल आयुर्वेदिक दवा की तरह काम करती हैं। इसका प्रयोग किसी भी तरह से त्वचा रोगों, पेट के रोगों, बालों के रोगों, सफ़ेद दाग, पथरी, इन्फेक्शन आदि में किया जाता है। वेस्टिज नीम कैप्सूल के बारे में कहा जाता है कि 14 बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। वेस्टिज नीम के फायदे। वेस्टिज नीम कैप्सूल के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन आज हम कुछ अच्छे फायदों के बारे में बात करेंगे। खून की समस्या, पेट की समस्या, डायबिटीज की समस्या, त्वचा की समस्या, बालों की समस्या। वेस्टिज नीम कैप्सूल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। वेस्टिज नीम कैप्सूल को दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्टिज नीम कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद में लेना चाहिए। इसे रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। बीच बीच में नो नागा नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। इससे आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो आगे से आगे शेयर करें और मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।